5,000 रुपए का इनामी आरोपी लाल बादशाह हुआ गिरफ्तार, 307 के अपराध में था फरार, समान थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर रीवा से। आरोपी अभिषेक पटेल उर्फ लाल बादशाह व मनीष यादव ने 27 जनवरी को पीड़ित विजय कुशवाहा के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने दोनों ही आरोपियों के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आज आरोपी अभिषेक पटेल को उसके इंदिरा नगर स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने पुलिस के सामने घटना को कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक चाकू भी जब्त किया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। थाना समान में 27/1/2024 को अपराध क्रमांक की कायमी हुई थी 307 में। उसमें चाकू से प्राणघातक हमला किया गया था। जो फरियादी थे वो विजय कुशवाहा के ऊपर हमला किया गया था और आरोपी था अभिषेक, अभिषेक उम्र 20 वर्ष, अभिषेक पटेल। उक्त घटना में आरोपी फरार था। इनाम था 5,000 रुपये का। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सतत प्रयास किए जा रहे थे कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। इसी तारतम्य में योजनाबद्ध रणनीति तैयार करके समान थाना प्रभारी और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अपराध 5 अपराध हैं। अन्य थानों में तीन समान थाना के अंतर्गत हैं, एक कोतवाली और एक अमैया थाना के अंतर्गत अपराध की कायमी है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।